नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज हम लोग जानेंगे 50 से 55 एचपी के कैटेगरी में पांच ट्रैक्टर जो कि काफी ज्यादा फेमस हैं और सबसे ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। किसानों के रिव्यू के हिसाब से ये ट्रैक्टर सबसे बेहतर माना गया है और मध्यम वर्गीय किसानों को ध्यान में रखते हुए 50 से 55 एचपी की जो कैटेगरी है ट्रैक्टर की, वो सबसे बेहतर मानी जाती है। तो चलिए देखते हैं आज टॉप 5 ट्रैक्टर के बारे में जो 50 से 55 एचपी के कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो नंबर 5 पे आता है महिंद्रा का अर्जुन नोवो 605 DI। इस ट्रैक्टर में 57 HP के कैटेगरी का इंजन आता है और इंजन कैपेसिटी 3531 CC का देखने को मिल जाएगा। इंजन रेटेड RPM की बात करें तो 2100 इंजन रेटेड RPM है इसका। मैक्सिमम टॉर्क 213 Nm का है। वहीं 4 सिलेंडर का इंजन आपको देखने को मिल जाता है इसमें। वहीं अगर PTO HP की बात करें तो 50 HP का PTO पावर ये ट्रैक्टर जनरेट करके देता है। इसके गियरबॉक्स की बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको पार्शियल सिंक्रोमेस टाइप का ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर इसमें गियर की बात करें तो साइड शिफ्ट साथ इस ट्रैक्टर में आपको 15 फॉरवर्ड गियर्स और 3 रिवर्स गियर देखने को मिल जाते हैं। इस ट्रैक्टर में 60 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है। वहीं अगर हाइड्रोलिक लिफ्ट कैपेसिटी की बात करें तो इस ट्रैक्टर में आप लोगों को 2200 केजी का हाइड्रोलिक लिफ्ट कैपेसिटी देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर वारंटी की अगर बात करें तो इस ट्रैक्टर पे कंपनी आपको 2000 घंटे या 2 साल की वारंटी देती है। अगर इस ट्रैक्टर के प्राइस की बात करें तो ये ट्रैक्टर 9,36,000 से लेकर के 9,57,000 तक का वेरी करता रहता है। तो चलिए बात करते हैं अपने अगले ट्रैक्टर की तरफ जो कि 4 नंबर पे है, फार्म ट्रैक का 60। फार्म ट्रैक 60 की अगर बात करें इसके इंजन कैपेसिटी की तो ये ट्रैक्टर भी 55 एचपी के कैटेगरी में आता है। इंजन कैपेसिटी की बात करें तो 3514 सीसी का इसमें आपको इंजन देखने को मिल जाएगा जो कि 2000 इंजन रेटेड आरपीएम पे है। इस ट्रैक्टर में आपको 3 सिलेंडर का इंजन देखने को मिल जाएगा। अगर क्लच टाइप की बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको डुअल और इंडिपेंडेंट क्लच का ऑप्शन मिल जाएगा। इस ट्रैक्टर में आपको कांस्टेंट मेस का ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है। गियर लीवर की बात करें तो इस ट्रैक्टर में भी आपको साइड शिफ्ट गियर्स देखने को मिल जाएंगे। वहीं अगर नंबर ऑफ गियर्स की बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको 16 फॉरवर्ड के साथ 4 रिवर्स गियर देखने को मिल जाते हैं। इसके पीटीओ पावर की अगर बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको 49 HP का PTO पावर देखने को मिल जाता है। फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो इस ट्रैक्टर में भी आपको 60 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाएगा। इसके हाइड्रोलिक लिफ्ट कैपेसिटी की बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको 2500 केजी का हाइड्रोलिक लिफ्ट कैपेसिटी देखने को मिल जाएगा जो कि पिछले वाले ट्रैक्टर से ज्यादा है। वहीं अगर इसके वारंटी की बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको 5000 घंटे या 5 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है। इस ट्रैक्टर के प्राइस की बात करें तो इस ट्रैक्टर का प्राइस 7,91,000 से शुरू होकर के 8,30,000 तक का वेरी करता रहता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले ट्रैक्टर की ओर। नंबर 3 पर है सोनालिका का 750 DI 3rd। इस ट्रैक्टर के इंजन की बात करें तो इस ट्रैक्टर में 55 HP कैटेगरी का इंजन मिल जाता है जो कि 4 सिलेंडर 3707 CC 2200 इंजन रेटेड RPM के साथ है। यह ट्रैक्टर भी आपको वाटर कूल्ड मिल जाएगा। इस ट्रैक्टर के अगर PTO पावर की बात करें तो 43.58 HP का PTO पावर देखने को मिल जाएगा। इस ट्रैक्टर के ट्रांसमिशन की बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको कांस्टेंट में साइड शिफ्ट के साथ सिंगल और डबल क्लच का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर गियरबॉक्स की बात करें तो 8 फॉरवर्ड के साथ 2 रिवर्स गियर देखने को मिल जाते हैं आपको। इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको 55 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर हाइड्रोलिक लिफ्ट कैपेसिटी की बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको 2000 केजी का हाइड्रोलिक लिफ्ट कैपेसिटी देखने को मिल जाएगा। इस ट्रैक्टर के वारंटी की बात करें तो यह ट्रैक्टर 2000 घंटे या 2 साल की वारंटी के साथ आता है। सोनालिका DI 750 3rd की अगर प्राइस की बात करें तो 7,60,000 से लेकर के 8,20,000 तक वेरी करता रहता है। चलिए बात करते हैं अपने अगले ट्रैक्टर की। तो नंबर 2 पर है न्यू होलैंड का 3630 स्पेशल एडिशन। तो 3630 के इंजन की अगर बात करें तो इस ट्रैक्टर में 50 HP कैटेगरी का इंजन देखने को मिल जाता है जो कि 3 सिलेंडर के साथ आता है। इसके एक इंजन कैपेसिटी की बात करें तो 2931 CC का इसमें इंजन देखने को मिल जाएगा। वही इंजन रेटेड RPM की बात करें तो 2300 इंजन रेटेड RPM पे है इंजन। वही इस ट्रैक्टर में कूलेंट कूल्ड कूलिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। इसके PTO पावर की बात करें तो 46 HP का PTO पावर ये ट्रैक्टर निकाल के देता है जो कि कैटेगरी में सबसे ज्यादा है PTO पावर के हिसाब से। इस ट्रैक्टर के ट्रांसमिशन की बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको पार्शियल सिंक्रोमेस टाइप का गियरबॉक्स देखने को मिल जाता है और इसमें 12 फॉरवर्ड के साथ 3 रिवर्स गियर देखने को मिल जाएंगे UG गियरबॉक्स के साथ में। इस ट्रैक्टर में आपको क्रिपर गियरबॉक्स भी देखने को मिल जाएगा। इस ट्रैक्टर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो यह ट्रैक्टर 60 लीटर के फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ आता है। वही अगर हाइड्रोलिक लिफ्ट कैपेसिटी की बात करें तो यह ट्रैक्टर 1700 केजी और 2000 केजी दो वेरिएंट में आता है इसकी हाइड्रोलिक लिफ्ट कैपेसिटी। वही अगर इसके वारंटी की अगर बात करें तो यह ट्रैक्टर कंपनी इस ट्रैक्टर पे 6000 घंटे या 6 साल की वारंटी देती है जो कि सबसे ज्यादा है इस कैटेगरी में। वही अगर इस ट्रैक्टर के प्राइस की बात करें तो यह ट्रैक्टर 9,50,000 से लेकर के 10,37,000 तक वेरी करता रहता है। तो यह कुछ रहा न्यू होलैंड के 3630 स्पेशल एडिशन के बारे में। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले ट्रैक्टर की तरफ जो
कि नंबर एक पर है। तो नंबर एक पर है स्वराज का 855। तो इसके अगर इंजन की बात करें तो ये ट्रैक्टर 55 एचपी के कैटेगरी में आता है। इसके सिलेंडर की बात करें तो 3 सिलेंडर का इसमें इंजन आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर सीसी की बात करें तो 1478 सीसी का इसमें इंजन मिलता है जो कि 2000 आरपीएम के साथ है। वहीं अगर इस ट्रैक्टर के कूलिंग सिस्टम की बात करें तो इस ट्रैक्टर में भी आपको कूलेंट कूल्ड इंजन मिल जाता है। वहीं अगर इसके पीटीओ पावर की बात करें तो 42.9 एचपी का पीटीओ पावर देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर टॉर्क की बात करें तो 205 एनएम का मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको कॉन्स्टेंट मेस एंड स्लाइडिंग मेस का ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगा। क्लच की बात करें तो सिंगल और डुअल क्लच दोनों के साथ ये वेरिएंट उपलब्ध है। वहीं अगर गियरबॉक्स की बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको 8 फॉरवर्ड के साथ 2 रिवर्स और 12 फॉरवर्ड के साथ 3 रिवर्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर इसके फ्यूल टैंक की बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको 60 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर हाइड्रोलिक लिफ्ट कैपेसिटी की अगर बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको 2000 केजी का हाइड्रोलिक लिफ्ट कैपेसिटी देखने को मिल जाएगा। इस ट्रैक्टर में अगर वारंटी की बात करें तो ये ट्रैक्टर कंपनी भी 6000 घंटे और 6 साल की वारंटी देती है अपने ट्रैक्टर पे। अगर इस ट्रैक्टर के प्राइस की बात करें तो स्वराज 855 FE टू व्हील ड्राइव का प्राइस है 837000 से लेकर के 890000 तक का वेरी करता रहता है। तो ये कुछ रहे टॉप 5 ट्रैक्टर के बारे में। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही कोई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।